किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमराज शर्मा, विभागाध्यक्ष सब्जी विज्ञान, डॉक्टर वाई एस पवार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सोलन नौनी से। आज हम किसान भाइयों के लिए टमाटर के ऊपर थोड़ी जानकारी लेके आ रहे हैं। जैसे कि मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में टमाटर जो है बहुत एक अहम सब्जी की फसल है और ख़ास करके ज़िला सोलन जो है इसके लिए बहुत ही मशहूर है। 50% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का, जिस 11,000 हेक्टेयर के आसपास है, उसमें से 50% एरिया ज़िला सोलन में पड़ता है। इसमें ख़ास करके जहां हम देखेंगे खेती जो है इसकी दो सीज़न में है। एक तो हम मार्च में ट्रांसप्लांट करते हैं, फरवरी जैसे में जनवरी फरवरी में इसकी पौध लगाते हैं, और दूसरा जो है रेनफेड एरिया में कुछ जहाँ वर्षा पर आधारित क्षेत्र हैं वहाँ पे हज कम जुलाई में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि जून जैसे में इसमें जो पौध लगती है। जहाँ तक इसका सवाल है, हमारे जो विश्वविद्यालय ने जो किस्में ईजाद की हैं, इसमें सोलन लालिमा किस्म है, ये ओपन पोलिनेटेड किस्म है। किसान इसका भाई जो है बीज भी स्वयं इसका रख सकते हैं, अच्छे टमाटर सेलेक्ट करके हम बीच में इसमें आपको जानकारी देंगे। अब ये देख रहे हैं कि जो सोलन लालिमा जो ये किस्म है, ये हमने जो है तकरीबन जो है अप्रैल महीने में इसको हमने ट्रांसप्लांट किया, तो अप्रैल महीने के बाद जो है 6 जून को हमने इसका जो है पहला तुड़ान लिया है, और अभी तक जो है देखिए 2 महीने इसको हो गए तुड़ान करते करते, तो अभी भी इसमें जो है आप देखेंगे पौधों में जो है फलन कितना लगा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। और साथ में जो है इसको हमने ड्रिप के ऊपर सिस्टम पे लगाया हुआ है, पॉलीथीन सीट भी लगा रखी है, और ताकि जो है खरपतवार इसमें ना आए, और ड्रिप के माध्यम से जो है हम खादों का प्रयोग जो है करते हैं, जिसमें 19:19 है, 3 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हफ्ते में इसको हम कम से कम एक बार जो है देते हैं। तो ये तो रही इसकी थोड़ी कैसे हमने लगाया है, कैसे इसका खादों का प्रयोग हो रहा है। कुछ एक इसमें देखेंगे, अगर आजकल जो है कुछ इसमें बीमारियों का प्रकोप भी बीच बीच में आता है, स्वाभाविक है, बरसात का मौसम है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे ये इसमें पत्ते हैं, तो कुछ कुछ जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं आपके, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, छोटे छोटे जो हैं धब्बे हैं, ये बैक्टीरियल स्पॉट है। अगर दूसरे पत्ते की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा जो है ये पत्ता दिख रहा है आपका, ये लेट ब्लाइट का सिम्टम है, जो कि थोड़ा ठंड में और एंड स्टेज में इसमें आता है। इसके अलावा बीच बीच में और भी अगर हम देखें तो ये देखिए थोड़ा सा ये जो है भी अर्ली ब्लाइट के सिम्टम है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। अब जो है इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं किसान भाइयों के लिए, तो 2-3 जो हमारे खासकर जो केमिकल है डाइथेनेप 45 बेबिस्टीन, उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन, एक तो ये हो गया। दूसरे जो है ब्लाइटॉक्स जो है 0.3%, उसमें हम स्टेप्टोसाइक्लिन भी मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका रिडोमिलम जेड है, इसका भी हम 0.3% के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो बीमारियाँ हैं तकरीबन ये कंट्रोल में रहेंगी। अभी हम ये देखेंगे कि कुछ एक टमाटर वैसे हमने निकाल लिए आज निकल पर, ये देखिए अब इस स्टेज पे ये टमाटर जो है मार्केट के लिए जाएगा, तो इस स्टेज पे इसको तोड़ते हैं हम, और अच्छे अच्छे इसके जो टमाटर है सीड के लिए रख भी सकते हैं। इसमें से देखिए ज़रा ये हवा के टमाटर है, ये काफ़ी इसका जो पेरिकार्प थिकनेस है वो भी काफ़ी सख्त होती है, और इसका जो सेल्फ लाइफ है कम से कम 10 से 12 दिन की जो है रूम टेम्परेचर पे है। तो किसान भाइयों के लिए जो दूर की मंडियों में ले जाते हैं परिवहन के लिए भी ये अच्छी किस्म है। और ये देखेंगे आप इसमें जो गुच्छों के, देखिए आप अभी ये 6 फुट के करीब ये पौधा है, पर फिर भी इसके अंत तक जो है गुच्छों की फलों की जो संख्या है बहुत अच्छी है, सेटिंग भी बड़ी अच्छे से है। और इसका जो है मैंने कहा किसान भाई बीज जो है सीड प्रोडक्शन का जो काम है वो खुद कर सकते हैं अपने लिए, यानी कि 10 किलो अगर आप टमाटर पका हुआ लेते हैं, उसको थोड़े दिन रखिए, काट के थोड़ा उसका बीज जो है रस के साथ निकाल करके
निकालेंगे तो आपको 10 किलो से तकरीबन 15 से 20 ग्राम सीड आपको मिल जाएगा, जो कि एक बीघा के लिए किसान के लिए बहुत है। तो उसकी बचत 500-600 रुपये की सीड के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि अब एक क्रॉप जो है काफ़ी 3 महीना पुरानी है, अभी 1 महीना और चलेगी। तो इसके साथ साथ जो हमारा सिस्टम बना है स्टेकिंग का, दो स्टैम्प पे लिया हमने, देखिए देखेंगे एक पौधे में दो स्टैम्प रखे हैं हम इसमें, बाकी आप देखेंगे। तो इससे क्या है कि पौधों की संख्या ज़्यादा आ जाती है तो आपकी पैदावार भी अच्छी आती है, हवा का आवागमन भी ठीक रहता है, और जो है कल्चर प्रैक्टिसेस में आसानी है, और साथ में जो है जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप भी इसमें कम रहता है। तो अभी आप देखेंगे कि लेट स्टेज में ये क्रॉप है, तो हमने नीचे जो है इसमें जो लंबे वाली किस्में हैं फ्रांस बीन की ले ली, ताकि अब ये थोड़े समय में जो है 2 महीने के बाद ये फसल भी आ जाएगी। तो इसको हम इंटरक्रॉप ले रहे हैं। तो इंटरक्रॉप का इसका कई फायदे हैं। नंबर तो एक, ये लेग्यूम क्रॉप है कि एटमॉस्फेयर की जो हमारी नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करेगी सॉइल में, तो एक तो हमारे को नाइट्रोजन की बचत होगी, खाद की बचत इसमें आ रही है, और दूसरे जो है बीन की जो पैदावार है वो 150 क्विंटल जो है हमारे को इसकी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलती है, और ये हमारी एडिशनल इनकम इसमें आ जाएगी। तो मेहनत कम है, आप बीज लगाया हमने, स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, इसके ऊपर चढ़ेगी और उसके ऊपर हम इसको हार्वेस्ट करके इसको ले लेंगे। तो ये इंटरक्रॉपिंग का इसमें काफ़ी अच्छा इसका फायदा है। तो थोड़ा थोड़ा किसान भाई जी, अगर आप देखेंगे कि बल्चिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रिप का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा फसल भी अच्छी आती है, और पॉली हाउस में भी तकरीबन यही सिस्टम चलता है। पॉली हाउस में आपके जो है सीट मल्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे लगेगा आपका, है ना। तो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का प्रयोग जो है इसमें करते रहें, और बीच में इसमें कभी कभी वार जो है माइट का प्रकोप भी देखा गया है। तो माइट जो है बड़ी अर्ली स्टेज में आती है, जून जैसे महीने में, तो कोई भी माइटीसाइड जो है उसका प्रयोग किसान भाई इसको रोकथाम के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही आपके लिए थोड़ी संक्षिप्त में टमाटर उत्पादन के बारे में जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे विभागाध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग डॉक्टर बाई एस प्रभा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर ट्रस्टी सोलन से संपर्क कर सकते हैं, जिनका जो फ़ोन नंबर है 252-329 है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है, वहाँ हमारे वैज्ञानिक बैठते हैं, वहाँ से भी संपर्क किया जा सकता है, ताकि किसान भाइयों के लिए कोई भी समस्या इससे संबंधित है तो उसका निवारण करने के लिए हम तत्पर सदा तैयार रहते हैं। और साथ में इसका जो बीज उत्पादन के जो किसान भाई लेना चाहते हैं, हमारे से बीज लेना चाहते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि आगामी साल के लिए हम जो है अच्छे से इनकी पैकिंग और जिसको जो भी है उपलब्ध जो है इसका उपलब्धता जो है सुनिश्चित कर सकते किसान भाई। धन्यवाद।